हेलो फ्रेंड्स, पूजा किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बेसन की गट्टे की सब्जी। खाने में बहुत अच्छी लगती है। उसके लिए मैंने यहाँ पर 250 ग्राम बेसन लिया है, लहसुन अदरक का लिया थोड़ा सा पेस्ट, गार्निश के लिए लिया हरा धनिया, दो टमाटर के लिए मैंने यहाँ पे प्यूरी, दो मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं, इसको ग्राइंड किया हुआ है अच्छे से, एक कटोरी लिए मैंने दही, ये 100 ग्राम दही है, इसको फेंट के रखा हुआ है। थोड़े से लिए यहाँ पे मसाले, आधा चम्मच लिया है मैंने गरम मसाला पाउडर, आधा चम्मच लिया है मैंने हल्दी पाउडर, आधा चम्मच लिया है मैंने जीरा, नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना है, लाल मिर्च पाउडर लिया है ये भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना है। सबसे पहले हमें क्या करना है, ये बेसन का डो तैयार करना है और इसमें मैं ऐड कर दूँगी थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर और थोड़ी सी हल्दी पाउडर। अब इसका एक स्मूथ पेस्ट तैयार करना है, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आप इसका ये डो तैयार करें। ये डो ज़्यादा हार्ड भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा स्मूथ भी नहीं होना चाहिए, जैसे हम रोटी या पराठे के लिए तैयार करते हैं उसी तरह का करना है। अगर इसको आप हार्ड बनाओगे तो जो हमारे गट्टे हैं वो हार्ड बनेंगे और सॉफ्ट रहोगे तो हमारे गट्टे वो फट जाएंगे, इसलिए थोड़ा थोड़ा पानी डाल के ही इसको। ये देखिए, अब इसमें थोड़ा सा मैं ऑयल डाल देती हूँ और इसको थोड़ा चिकना कर लेते हैं इस तरीके से इसे थोड़ा चिकना कर ले जिससे कि हाथों में चिपके ना। इस तरीके से गूंदे इसको, ये देखिए इस तरह का होना चाहिए। अब मैं इसके गट्टे बना देती हूँ। गट्टे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे इस तरह के एक गोल स्टिक लिए, आप इस तरह की कोई भी स्टिक लें, थोड़ा सा इसमें से लेना है डो, इस तरीके से करना है। गट्टे इस तरीके से भी बनाए जाते हैं लेकिन मैं इनको इस तरीके से नहीं बनाती, आप इस तरीके से करें। इसमें थोड़ा सा ऑयल लगाएं यहाँ पे चिकना करने के लिए। अब आप ये स्टिक लें और इसको इस तरीके से बंद कर दें और इसको थोड़ा थोड़ा इस तरीके से प्रेस करते हुए इस तरीके से करें, थोड़ा सा इस तरीके से कर दें और स्टिक को घुमाते हुए आराम से बाहर निकाल दें। ये देखिए इस तरीके से सारे गट्टे तैयार कर लेने हैं। मैं इस तरीके से इसलिए बना रही हूँ गट्टे क्योंकि जब हम इनको उबालेंगे तो ये अंदर तक आराम से उबलें, अच्छे से उबल जाएं, कच्चे ना रहें। अगर हम सीधे इसी तरीके से बनाते तो वो अंदर से कच्चे रह जाते हैं, उबल नहीं पाते ठीक से और ये अंदर तक अच्छे से उबलेंगे। ये देखिए सारे गट्टे मेरे तैयार हो गए। अब मैं एक बर्तन में पानी रख देती हूँ, इन्हें उबालना है। उसमें पानी आप अपने हिसाब से रखें, जो हमारे गट्टे हैं उसमें डिप होने चाहिए अच्छे से। ये देखिए पानी में उबाल आ गया है, अब मैं इसमें गट्टे डाल देती हूँ। गट्टे आपको तभी डालने हैं जब पानी में उबाल आ जाए अच्छे से, इस तरीके से। और अभी इनको 10 मिनट के लिए पकाना है, इन्हें ढक के रख दें या आप खुला भी पका सकते हो। गैस को मैंने हाई फ्लेम पर रखा हुआ है और आप बीच बीच में इनको इस तरीके से पलट दें जैसे चारों तरफ से अच्छे से उबल जाए। इनको 5 मिनट हो गए, अब 5 मिनट के लिए अभी और पकाना है। देखिए इनको पूरे 10 मिनट हो गए और अच्छे से ये पक भी गए। अब गैस फ्लेम को कर देती हूँ बंद और इनको बाहर निकाल लेती हूँ। ये सारे बाहर निकाल लिए मैंने कट्टे, और जो इसका पानी है इसको आप फेंके नहीं क्योंकि इसकी हमें तरी बनानी है। तब तक हमारे गट्टे ठंडे होते हैं तब तक हम मसाला भून लेते हैं। इसके में मैंने यहाँ पे एक बड़ा चम्मच ऑयल लिया है, इसको गर्म करने के लिए रख दिया है और ये गर्म भी हो गया है। थोड़ी सी इसमें ऐड कर देती हूँ हींग, जीरा, और गैस को रखें आप स्लो फ्लेम पे
और लहसुन अदरक का पेस्ट, सॉरी अब इसमें ऐड कर देती हूँ प्याज का पेस्ट। अच्छे से इसको भूने 2 से 3 मिनट के लिए। अब इसमें ऐड करना है टमाटर का पेस्ट और इसको तब तक भूनना है जब तक जो हमारा मसाला एक कढ़ाई ना छोड़ दे, तब तक इसको इसी तरह चलाते हुए भूनना है। और ये सारे मसाले ऐड कर देती हूँ इसमें, अच्छे से मिक्स करें। देखिए मसाला मेरा अच्छे से भुन गया है। अब इसमें ऐड करनी है दही, और दही को ऐड करते समय इसको चलाते जरूर रहें, नहीं तो दूध दही है वो फटने लगेगी। तो चलाते रहें इसको। दही डालने के बाद 5 मिनट के लिए आप इसको इसी तरीके से चलाते रहें। इसको 5 मिनट हो गए, अब मैं इसमें पानी ऐड कर देती हूँ। और ये वही पानी है जिसमें मैंने गट्टों को इसमें उबाला था। अब इसको एक उबाल आने तक इसी तरीके से करते रहें। देखिए तरी में अच्छे से उबाल आ गया है। अब इसमें मैं गट्टे ऐड कर देती हूँ। गट्टों को मैंने इस तरीके से काट लिया है, सारे इसमें ऐड कर देती हूँ। और इसको ढक के स्लो फ्लेम पे गैस को रखना है, और इसको कम से कम 10 मिनट के लिए इसी तरीके से पकाना है। इसको ढक के रख दें। ये देखिए इसको पूरे 10 से 12 मिनट हो गए। अब मेरे गट्टे की सब्ज़ी बनके तैयार हो गई है, आपको दिखाती हूँ प्लेटिंग करके। ये देखिए गट्टे की सब्ज़ी तैयार हो गई है खाने के लिए। प्लीज़ आप इसको ट्राई ज़रूर करना एक बार, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलना। थैंक यू।